तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं, काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि जब अगर कोरोना की तीसरी वेव या ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है तो होम आइसोलेशन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। पिछली बार ऑक्सीजन की सबसे कमी पड़ी थी। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जितने अस्पताल हैं दिल्ली के, उन सारे अस्पतालों का मिला के लगभग 750 के करीब एम्प्टी, 750 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। लेकिन पिछली बार सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की, एक ट्रेन आ गई पूरी की पूरी ऑक्सीजन के टैंक लेके, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि जहाँ पे वो ऑक्सीजन को हम स्टोर कर सकें। उससे निपटने के लिए हमने 442 मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी, एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बना ली है। स्टोरेज टैंक अब हमारे 442 मीट्रिक टन के स्टोरेज टैंक तैयार हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी दिल्ली की कैपेसिटी। दिल्ली में पहले ऑक्सीजन बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, जीरो कैपेसिटी थी हमारी। अब हमने PSA प्लांट्स, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स बनाए हैं। 121 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब दिल्ली में बननी चालू हो गई है। पिछली बार आपको याद होगा कि हर हॉस्पिटल कह रहा था मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। पूरी उसके साथ हम लोगों ने सबकी ऑक्सीजन का इंतज़ाम भी किया सब लोगों ने मिलके। कहीं कहीं देखने में आया कि कुछ लोगों ने गलत बोला या जैसे जो भी था। अब हमने सारे जितने दिल्ली में ऑक्सीजन टैंक्स हैं, चाहे किसी हॉस्पिटल का है, चाहे हमारे बड़े टैंक्स हैं, छोटे टैंक्स हैं, इसमें टेलीमेट्री डिवाइस लगाने के ऑर्डर दे दिए हैं। इस डिवाइस से रियल टाइम बेसिस पे हमारे इस कंट्रोल रूम में, वॉर रूम में, हर मिनट में पता चलता रहेगा कि किस टैंक में कितनी ऑक्सीजन इस टाइम मौजूद है, कहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। इससे हमें अपने ऑक्सीजन मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। पिछली बार हर अस्पताल के अंदर सिलेंडर तो होते ही ऑक्सीजन के, उसके अलावा स्पेयर कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास सिलेंडर्स की, ताकि मान लीजिए हमें एक्स्ट्रा कहीं पे बेड लगाने पड़े तो हमारे पास कोई सिलेंडर, खाली सिलेंडर भी नहीं थे। 6,000 सिलेंडर हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट कर लिए हैं और अब हमारे पास 6,000 डी टाइप सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर्स मौजूद हैं। इसके ज़रिए हम कई सारे नए बेड्स तैयार कर सकते हैं किसी भी बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में या कहीं और। हमारे पास अभी 3 रीफिलिंग प्लांट्स हैं दिल्ली के अंदर, प्राइवेट रीफिलिंग प्लांट्स हैं, जिनकी कैपेसिटी है 1500 सिलेंडर पर डे भरने की। इसके अलावा हमने 2 बॉटलिंग प्लांट, सरकार ने 2 बॉटलिंग प्लांट्स और लगा लिए हैं, उनकी की भी कैपेसिटी लगभग 1400 के करीब है। तो 2900 सिलेंडर भरने की कैपेसिटी पर डे की अब दिल्ली की हो गई है। पिछली बार सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आई थी कि ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे हमारे पास। सरकार कहती थी भाई पानीपत से मंगा लो ऑक्सीजन, हमारे पास टैंकर ही नहीं थे क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन बनती नहीं है। अब हम 15 टैंकर खरीद रहे हैं, 15 ऑक्सीजन के टैंकर खरीद रहे हैं। उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर 15 टैंकर दिल्ली के आ जाएंगे। वैक्सीनेशन की स्थिति दिल्ली में अच्छी है, 93% लोग जो हैं वो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, 57% लोग सेकेंड डोज लगवा चुके हैं। मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के, जो सेकेंड डोज जिन्होंने नहीं लगवाई, उनकी जिनकी ड्यू हो गई है, कि वो भी आगे आके सेकेंड डोज जल्द से जल्द लगवा लें। तो ये कुछ एक तैयारियां, हमने तैयारियों का जायज़ा लिया। मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि ओमिक्रॉन वायरस ना आए, थर्ड वेव ना आए। बड़ी मुश्किल से हमने पूरे देश ने इस वायरस का मुकाबला किया, लेकिन अगर आती है तो हम तैयार हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार। Said also giving out details about the kind of preparedness. Remember, today the Union Health Secretary also held a meeting with the states discussing the current situation in terms of preparedness of various states when it comes to the fifth variant of concern, Omicron, which so far has not been detected in India. We're still undertaking genome sequencing to understand if it has reached our shores just yet, but it has been detected in at least over 15 countries. The WHO has also said already that there is a possibility that it spread to many other countries and that it could pose a high risk, but they are in the process of studying the virus and the variant, I beg your pardon, and how much infection severity it causes and how transmissible it is in compared to the other 4 variants.